उज्जवल मेश्राम हत्याकांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 8वें आरोपी के रूप में लोकेश उर्फ कल्लू यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार क्यों किया, पुलिस ने इसका जवाब नहीं दिया तो लोकेश उर्फ कल्लू यादव की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर सवाल उठाया कि 11 जनवरी को मेरे पति को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी और मुख्य आरोपी प्रशांत मेश्राम शामिल है। आज पुलिस की हिरासत से और उस केस को कमजोर करने के लिए पुलिस ने मेरे पति को उज्जवल मेश्राम हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उज्जवल मेश्राम की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उस मामले में मेरे पति को पुलिस ने झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह के आरोप स्वाति लोकेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। तो पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि लोकेश कल्लू यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया। लोकेश कल्लू यादव को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। स्वाति लोकेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस मेरे पति को नहीं छोड़ेगी तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने पूरे परिवार के साथ थाने के खिलाफ हैं। जब उज्जवल मेश्राम की माँ ने ये कहा कि गरार साहब ने बताए हैं कि तेरे बच्चे का मर्डर होने वाला है, तू 2-4 महीने के लिए अपने बच्चे को बाहर ले जा, तो उसी समय मेरे पति का नाम क्यों नहीं बताया गया? अभी मेरे पति का नाम क्यों बोल लिया जा रहा है? मुझे ये बता के लेके गए कि सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, कोई वारंट नहीं, कुछ भी नहीं था, और मेरे पति को ऐसे ही पूछताछ के लिए लेके गए और अरेस्ट कर लिए कि भैया अगर होगा राजनीति या सामाजिक तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर जो प्लानिंग से जो बात से लेके प्रशांत मिश्रा ने मेरे छोटे भाई पे गोली का एक ही आपको सपोर्ट ना करे, वो अपना देखेगा हम अपना देखेंगे। आप भी रहे, कोई भी रहे, एक सामाजिक कोई भी इंसान रहेगा, अगर आप कुत्ते को लाठी मारे तो कुत्ता दौड़ेगा, आप अगर हम पे हमला करोगे तो शायद हो सकता है हम भी हमला करें। लेकिन एक बात है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं तो आपने हमला क्यों की, क्यों, क्या उद्देश्य है, ये सब उसके आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से संवाददाता की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।